सरकार तो देखिए, अगर सरकार पर असर नहीं पड़ता, आज जानते हैं इस किसान आंदोलन के बाद तो पहली बात मोदी जी की मन की बात करना बंद कर दी। नहीं, अभी हुई उनकी मन की बात हुई तो एक लफ्ज अगर कहीं बोल रहे हैं, कोई एक लाइक कर रहा है तो हजार गालियां उस पर पा रहे हैं। कहीं किसी विदेश में जा रहे हैं, विदेशों से इस समय पहले पाँच साल पिछली साल आज मई दिवस, आज मजदूर दिवस पर बात कर रहा हूँ, मैं मजदूर दिवस पर भी थोड़ा चर्चा करूँगा, लेकिन आज जब से किसान यहाँ आंदोलन बैठ गया है, मोदी जी जब भी कहीं किसी देश से कह रहे हैं भैया मुझको एक घंटे के लिए बुला लीजिए, मेरे भी कुछ इज्जत रह जाए, कोई इनको न्योता नहीं दे रहा है, बुला नहीं रहा। अभी बांग्लादेश गए थे ना, बांग्लादेश गए थे अभी 20 दिन पहले, बांग्लादेश वासियों से बोले गए भाई मुझको बुला लो, जबकि बांग्लादेश में भारत की प्रति बहुत ही इज्जत रहती है, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश गए, जैसे ही मंच पर पहुँचे, लाखों लोग जूता चप्पल लेके निकल गए कि मोदी गो बैक, जो तुम तो अपने किसानों के नहीं हो, जो अपने देश के नहीं हो, जब अपने देश में किसानों की इस दुर्दशा पर 1900 रुपये ढाई कर दे रहे हो, किसानों को मार रहे हो, मजदूर बेचारा सड़कों पर तड़प रहा है, तो तुम हमारे क्या होगा, मोदी गो बैक। वहाँ से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह आ गए दिल्ली में, दिल्ली म्याओं म्याओं कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, पूरे देश की इज्जत मिट्टी में मिला के चले आए मोदी। लोग कहते हैं मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। अब यही तो डंका है, लोग जूता चप्पल से उनका स्वागत कर रहे हैं, गो बैक मोदी, गो बैक का नारा लग रहे हैं। जब से किसान यहाँ आंदोलन बैठा है, कोई किसी देश में इनको बुलाया, कहीं गए, कहीं डंका बजा, वो जान रहे कि वहाँ जाएंगे, जब यहाँ के मंत्री और यहाँ के विधायकों को कुर्ता फाड़ के नंगा पब्लिक घुमा दे रही है, तो वहाँ कहीं इनको भी ना ऐसी नौबत आ जाए। इसलिए ट्रंप बुलाया था, तो जब किसान आंदोलन नहीं बैठा तो उसके पहले बुलाए थे, इस समय बुलाए जाएं मोदी जो अमेरिका में जाएं, अमेरिका में किसान लाठी लेके बैठा है, कनाडा में भी बैठा है, इसराइल में भी बैठा है, विश्व के किसी देश में जाएं और स्वागत अगर उनका हो जाए तो मुझसे कहो। तो क्या इसलिए जाना बंद कर दिया है मोदी ने विदेश? अरे अभी आप नहीं समझ रहे हैं क्या, आज किसान यहाँ पर अभी 1700 खाद 1900 कर दिए, 1900 करके लॉकडाउन लगाए कि किसानों का ध्यान लॉकडाउन में रहे, पुलिस डंडा लेकर के रोकते ताकि आंदोलन न कर पाए। यहाँ तक कि मेरे भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना, हमारे देश का ये सरकार जो है कि ऑक्सीजन पर व्यापार कर रही है, बताइए हमारा यहाँ का ऑक्सीजन बेच दिए विदेश में, अब विदेश वाले जो मदद भेज रहे हैं ऑक्सीजन की, उसको भी ये जो है बेशर्म सरकार उसका भी व्यापारीकरण कर रहे हैं, उसको भी लूट रहे हैं सब, जा जा के जगह जगह जमाखोरी कर दे रहे हैं उसको। तो मोदी जी ने पहले तो कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढिए आप। अब यही समझ में आ गया आपको कि मोदी जी कहते हैं कि किसी का घर भी जल रहा है तो वहाँ भी अपना लाभ उठाओ, कहीं आपदा पड़ रही है तो वहाँ भी लाभ है तो ले रहे हैं जब से सरकार बनाए हैं, कभी कोरोना के नाम पर, कभी लॉकडाउन के नाम पर, कभी देश को विध्वंसक कृषि बिल के नाम पर, हमेशा तो इन्होंने अवसर का लाभ लिया, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं। किसान यहाँ पर एक एक पाई पाई का हिसाब लेने के लिए यहाँ बैठ चुका है। ऐसा किसने कह दिया? अभी आप आए थे ना, चूँकि सरकार ने इस समय थोड़ा सा गाइडलाइन जारी कर दिया है कि भाई आप लोग थोड़ा सा मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, तो हमारे जो किसानों से कहा गया, देखिए माइक हर टेंटों तक माइक लगा दिया गया है, तो हमारे टेंटों में भी किसान रुक रहे हैं, यहाँ पर चूँकि जगह जहाँ तक है हम लोग 2 गज की दूरी बना बना करके लोगों को डिस्टेंस से बैठा रहे हैं मास्क लगा के, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यहाँ कम है, लेकिन सब टेंटों में जाए देखे चारों तरफ से भरे हुए हैं किसान। और दूसरी बात, इसमें काउंटिंग कल 2 मई है, कल हमारे यहाँ पंचायत चुनाव काउंटिंग है, तो कल काउंटिंग करा करके फिर नेक्स्ट डे से बहुत भारी संख्या आ रही है किसानों। 5 महीने में कुछ हासिल नहीं हुआ किसानों को? देखिए 5 महीने में हासिल तो हमारा ये हो गया कि आज किसानों का मान सम्मान इतना बढ़ गया है कि सरकार जो है कि जितनी भी उसकी पॉलिसी रही है किसान आंदोलन ख़त्म करने के लिए, आज सरकार काम नहीं कर रही, सिर्फ उसका एक ही लक्ष्य है कि किसान आंदोलन को किसी तरह से तोड़े। किसान आंदोलन को तोड़ने का जितना षड्यंत्र उसका सब फेल हो गया। अब हमारा किसान आंदोलन यहाँ तक पहुँच चुका है कि सरकार की सारी बोलती बंद हो, उसकी सब हेकड़ी बंद हो गई। पहले सरकार कुछ करती थी कोई हिसाब, जैसे आज 1900 रुपया खाद हो गई, खाद का दाम सीधा 700 रुपया बढ़ा के सीधा 1900 रुपया पर बोरी कर दिए, 5 किलो कम कर दिए। किसान इस समय खुद तड़प रहा है बीमारी के नाम पर, जो हमारा किसान तड़प रहा है, मजदूर बेचारे रोड पर भटक रहे हैं, ऐसे समय में 700 रुपया डाई का दाम बढ़ाना हम किसानों के लिए भारी। पंचायत चुनाव में तो पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं तो आज कल अभी काउंटिंग होने वाले, मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन पंचायत चुनाव में आप देखेंगे वहाँ बैलेट पेपर से वोटिंग हुई है, पंचायत चुनाव में इनका खाता खुलने वाला पूरे आज उत्तर प्रदेश में नहीं है। एक भी जिला पंचायत सदस्य पा जाए तो मुझसे कहिएगा, कहीं छिटपुट 2-4 सीट पा गए उड़ती हवा में, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे मेरे भाई। इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह कि किसान अब जाग गया है ना,
किसान इनको अब जा रहे हैं गाँव में, अरे भैया पंचायत चुनाव लड़ लो, जिला पंचायत लड़ लो, पैर छू रहे थे उनको, कैंडिडेट नहीं मिले हैं। इस बार जो मिले हैं जबरदस्ती भैया हाथ गोड़ जोड़ करके उनको पैसा वैसा दे करके लड़ाए, लेकिन उनकी जमानत जब्त होने जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस के मौके पर अभी हम लोग देखिए मंच पे सारे नेता लोग अपनी अपनी बात रखे हैं। मैं इस मजदूर दिवस के रूप में मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, क्यों तड़पा रहे हो मजदूरों को? मजदूरों को जानते हैं 135 साल हो गया, 1 मई 1886 को शिकागो में बहुत बड़ा मजदूरों की क्रांति हुई थी, जिसमें पहले किसान मजदूरों को 12-12 घंटे 20-20 घंटे खटाते थे बंधुआ मजदूर बना के। वहाँ पर ये पास हुआ कि 8 घंटे ड्यूटी चलनी चाहिए, किसान को 8 घंटे ड्यूटी करे, 8 घंटे मनोरंजन करे, इसके बाद खाए पिए स्वस्थ रहे और कमाए, उसका एक फिक्स रेट बनाया गया कि कम से कम इतना मजदूरी मिलना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश में मेरे भाई सुन लीजिए, ये सरकार जालिम सरकार ने पूरी छूट पूंजीपतियों को दे दिए कि मजदूरों को जैसे चाहो खटाओ, जितना चाहे घंटा खटाओ। बेचारे मजदूर जानते हैं, मैं अभी हम लोग दिल्ली में गए थे, मजदूरों की दशा देखे, मजदूरों से मेरे भाई क्या बताएं, अभी तो किसानों के बेटे हैं। हमारे यहाँ 95% खेती जो है कि 10 एकड़ से कम खेती वाले हैं, 10 एकड़, 5 एकड़, 1 बीघा, 2 बीघा, अभी तो किसान हैं। उनके बेटे जब सोचते हैं कि हम चले कुछ, चूँकि खेती पैसा मांगती है, वो बेचारे आते हैं शहरों में किसी कंपनी में मजदूरी करने लगते हैं। जब मजदूरी करने लगते हैं मेरे भाई सुन लीजिए, उनको ये बड़े पूंजीपति 12-12 घंटे 18-18 घंटे खटाते हैं। बेचारे कभी यहाँ के मजदूर जो आते हैं शहरों में खटने के लिए, सूरज का प्रकाश लेना शरीर को जरूरी, सूरज का देख ही नहीं पाते, सूरज की रोशनी क्या होती है, हवा क्या होती है। तो ये सब दर्द, ये जो सरकार किसानों को के साथ साथ मजदूरों को मारने का प्रयास कर रही है, उनको वाजिब मूल्य नहीं दे रही है। मजदूर बेचारा क्या है कि अगर 4 दिन रोड पर बैठ जाएगा, 4 दिन रोड बैठ जाएगा, एक रिक्शा चलाने वाला मजदूर या एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर, एक ईटा गारा करने वाला मजदूर, अगर 4 दिन वो बैठ जाएगा तो उसके घर रोटी नहीं बन पाएगी भाई। इसलिए मजदूर बेचारे, हम लोग बड़े बड़े श्रमिक संगठन है हमारे देश में, वो भी तो सड़क पर नहीं आए। श्रमिक संगठन बेचारे आए लेकिन असंगठित रूप से आए। अब किसान मोर्चा में देखिए आज पूरा श्रमिक संगठन भी आकर शामिल हुआ। एक दिन आते हैं उससे क्या होता है? नहीं, वो रोज आने की प्रतिज्ञा अभी आप देखे होंगे, सभी लोग प्रतिज्ञा, ये बात नहीं है। अभी यहाँ टेंट कई मजदूर संगठनों के लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा भाई मजदूर है, हमारे साथ किसानों के साथ साथ शिक्षा मित्र बेचारे, जिनको नौकरियाँ जो है सरकार ने छीन ली, शिक्षा मित्र भी हैं, अनुदेशक भी हैं, मजदूर भी हैं, रेलवे के जो कर्मचारी भी हैं, बिजली के भी कर्मचारी हैं। लेकिन हम लोग अभी जो इनका जो चूँकि ये कोरोना का एक बहान लगा करके लॉकडाउन की स्थिति पैदा कर रहे हैं, तो हम लोग कहे ठीक है, हम आपके फॉलो करते हुए हम यहाँ पर लागू कर रहे हैं। लेकिन अब जो है कि चुनाव खत्म हो रहा है, धीरे धीरे लोगों को कॉल किया जाएगा कि ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बने रहे और आंदोलन भी चलता रहे। जनता की समस्या को लेकर जो सिर पे कफन बांध कर नेतृत्व करता है, लड़ता है, उसे नेता कहते हैं। जो साहब कह रहे हैं ठीक है, श्रमिक संगठन के नेता हैं, अगर वो जो लड़ रहा है मजबूती के साथ लड़ेगा, वो नेता रहेगा, लोगों का नेतृत्व करेगा, जो नहीं रहेगा समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर एक से एक लीडर से भी धरती वीरों से खाली नहीं, उसी मजदूरों में से नेता निकलेंगे, उन्हीं किसानों में से नेता निकलेंगे, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आज हम लोग लड़ रहे हैं ना, आज किसान ही लड़ रहा है ना, मजदूर भी लड़ेंगे, मजदूरों के जो लड़ेगा वो नेता रहेगा। श्रमिक नेताओं को इसलिए दबाया गया कि सरकार डंडे की बदौलत बोले कि हम केस लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लोग डराया गया, धमकाया गया, गुंडागर्दी की गई उनके साथ, कुछ नेताओं को ले जाकर नज़रबंद किया गया। तो ये सब तो कर लिए, किसानों पर भी आप देखे नहीं 28 तारीख को यहाँ जिस तरह से हमला मिलिट्री के बल पर और सामने किल ठोक करके किया गया। लेकिन चूँकि ये आंदोलन इतना सिस्टम से चल रहा है, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने के किसान इसमें शामिल हो गए, यहाँ तक कि विश्व के किसान भी इसमें आंदोलन में शामिल हो गए। अब ये किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन बन चुका है। जिस दिन यहाँ किसान बैठा, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खेती का कानून बनाए थे ना कि अब किसान खेती नहीं करेगा, उसको बड़े व्यापारियों को लीज पे दी जाएगी, जैसे एक गाँव के मोदी जी बोले थे मन की बात में कि 500 किसान अगर व्यापारियों को ज़मीन दे देगा, पूंजीपति को दे देगा, तो बड़ा काश्तकार बन जाएगा। ये सब नाटक किए थे ना, और बोले क्या कि हमारे किसान, हमारे जो सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, जो गांव-गांव चौपाल लगाएंगे, लोगों को बताएंगे कि किसी कानून में अच्छाई क्या है। जब वहां पर किसान उनसे सवाल पूछने लगा कि अरे भैया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारी ज़मीन को तुम पूंजीपतियों को दे रहे हो, हम अपनी ज़मीन को पूंजीपतियों को नहीं देने देंगे,
जब हम लोग यहाँ पर आंदोलन किए तो अब जो पूंजीपति था, जो आप कह रहे हैं ना कि किसानों को क्या मिला, अब पूंजीपति जो हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति जो हमारी ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट पर लेने का प्रयास कर रहे थे, जो कानून बनवाए कृषि का, अब ऐसे कान पकड़ के तान रहे कि मोदी जी महाराज अब मैं किसानों ज़मीन लेने नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो लाठी लेके बैठा हुआ है। जब आपके मंत्री विधायकों को कुर्ता फाड़ के नंगा घुमा दे रहा है, आपका हेलीकॉप्टर जब उतर रहा है तो ऊपर उड़ जा रहा है। अभी 14 तारीख को अम्बेडकर जी की जयंती थी ना, यहाँ के मुख्यमंत्री जी जाकर उसका उद्घाटन करने जा रहे थे। इसके बाद किसान बोला ठीक आप आओ उद्घाटन करने, हम लाठी लेके बैठे हैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए। दूसरे दिन आप लोगों के यहाँ वक्तव्य आया होगा, आया कि अब मुख्यमंत्री का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाता है। तो वो जो पूंजीपति थे वो बोले भैया मैं कान पकड़ रहा हूँ, मैं किसानों की ज़मीन लेने नहीं जाऊँगा, जब तुम्हारा हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री के नहीं उतरने दे रहे हैं, विधायक और मंत्री लोगों को नंगा घुमा दे रहे हैं, तो हम लोग को जिंदे गाड़ देंगे, तो हम जीत नहीं गए क्या? हमारा कृषि कानून जीत चुका है। और जो दूसरी बात, हमारे जो ये किसान आंदोलन है, हमारे किसानों का बहुत बड़ा मान सम्मान बढ़ा दिया है, पूरा विश्व को, भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व को एक कर दिया। आज जो है, पहले जानते क्या भाई, हम लोग जब बीए में पढ़ते थे कभी काल के घूमने उमने आते थे, तो जब कोई पूछ देता था कि किसी लड़के से कह रहे भाई आपके पिताजी क्या कहते, तो किसान कहने में भी शर्म लगती थी उसको, किसान कहने में भी जैसे अपने आप सोचता था कि हम किसान के बेटे हैं। लेकिन अगर आज की डेट में अगर किसी से अगर पूछा जा रहा है, बीटेक भी कर रहा है, इंजीनियर भी है, जज भी है, डीएम भी हो गया, अगर लड़का कोई अगर उससे पूछा जाता है भाई आपके पिताजी क्या करते हो, गर्व के साथ कहता है हमारे पिताजी एक किसान है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसानी करता हूँ। आप ये जान लीजिए कि हमारा जो किसान आंदोलन है, ये तीनों कृषि बिल के खिलाफ और सरकार की तानाशाही रवैया के खिलाफ, इसके गुंडागर्दी और इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ है, न कि हम चुनाव, अभी हम राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, लेकिन आप सुन एक मिनट, हम राजनीतिक पार्टी है नहीं, हमसे इस माने चुनाव से इस आंदोलन को मत जोड़िए। जहाँ तक सवाल कह रहे हैं कि आप लोग गए थे, ठीक है वहाँ पर हम लोगों को सूचना मिली कि किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, प्रत्याशी के साथ उसके वोट लूटने का प्रयास किया जा रहा है, उसके साथ दबंगई की जा रही है, उसका हाथ पैर तोड़ा जा रहा है, तो हम लोगों ने ऐलान कर दिया है कि जहाँ भी भारतवर्ष में किसी कोने में अगर किसी के साथ अत्याचार होगा, हमारा किसान का मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा का सिपाही वहाँ जाएगा, उसके खिलाफ लड़ेगा, उसको न्याय दिलाने का काम करेगा। तो हम लोग वहाँ न्याय दिलाने का काम किए। अब चुनाव आ जाने दीजिए, हम लोग भविष्यवक्ता तो है नहीं कि भविष्यवाणी कर दें कि कौन चुनाव, लेकिन चुनाव से इस आंदोलन से ना जोड़ा जाए। हम लोग आंदोलन में जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं होगी और MSP कानून नहीं बन जाएगा, हमारे यहाँ से डेड बॉडी जा सकती है, लेकिन हम ऐसे ही किसान आंदोलन को तोड़ने नहीं देंगे, हमारा किसान आंदोलन चलता रहेगा। अब की रणनीति क्या है, किसानों क्या है कि? हमारी देखिए रणनीति तो संयुक्त किसान मोर्चा जो बैठा हुआ है, उसके मोर्चे के जो जिम्मेदार पर्सन हैं लोग बैठे हुए हैं, ये लोग बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं, हम लोगों की जो ओपिनियन ली जाती है, नहीं हम लोगों की ओपिनियन होती है, हम लोग भी देते हैं। वो किसान मोर्चा पूरे देश की तरफ से वार्ता करता है, जो सरकार वार्ता नहीं करने का एक षड्यंत्र कर रही कि किसान वार्ता में नहीं कर रहा, वो हमको थोपना चाहते हैं। देखिए सरकार थोपना चाहती है कि हम जैसे चाह रहे हैं वैसे मान लो, सरकार चाह रहे हैं कि आप किसान आंदोलन वापस ले लो, बोल दो किसानों से कि अपनी खेती जो है पूंजीपतियों को माने दे दें, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें। फिर सरकार कह रहे हैं कि अरे भाई जो किसान चाहे दे, जो ना दे चाहे ना दे। अब इस हाईवे जो हम बात कर रहे हैं, आप ये हाईवे है ना, जब हाईवे बन रहा था तो सभी किसानों से कहा गया कि भाई जिसकी मर्जी हो दे, जिसकी मर्जी ना हो दे ना दे। लेकिन जब एक बार सर्वे हो जाता है तो किसी की मजाल हुई कि जो नहीं दिया, सबसे लूट लिया गया, ज़मीन हमारी लूट ली गई। इसी प्रकार से आप कहेंगे पैसा दे के ले लिया गया, यहाँ तो पैसा दे के, वहाँ तो बिना पैसे के लेने का प्रयास है कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे मोदी जी कह रहे थे कि एक गांव में 500 अगर किसान है, 500 किसान की ज़मीन अगर उनसे ली जा रही है, बस समझ रहे कि नहीं, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट पर ले ली जा रही है, ज़मीन उनकी रहेगी, कब्जा रहेगा बड़े काश्तकार का, यही ना उनका मुद्दा है। तो ये हमारी पूरी ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो देना चाहते हैं, इनका षड्यंत्र पूरा होने वाला नहीं है और हम लोग इसको पूरा नहीं होने देंगे। मैं राजनीत यादव आजमगढ़ से हूँ और आप लोगों से स्पष्ट वादा करता हूँ कि जब सेना लड़ने पहुँच जाती है तो वो बैक नहीं होती। हमारे जानते हैं जितने फोटो लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, 350 जवान, 350 किसान जब आंदोलन पर हम आए, -4 डिग्री पर आए, कितने लोग नारेबाजी में, कितने लोग पानी की बौछार मिलिट्री कर रही थी, 350 किसान मेरे भाई शहीद हुए हैं, हम इनकी शहादत को ऐसे बाएं नहीं जाने देंगे। और हम लोग आज इस मजदूर दिवस देख रहे हैं, मैं यहाँ जिम्मेदार पर्सन के नाते बोल रहा हूँ, हम लोग जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं हो जाता, काला कानून वापस नहीं हो जाता,
तब तक हम लोग यहाँ वापस नहीं जाने वाले हैं। या तो हम शहीद होकर के वापस जाएंगे या तो अपने मान सम्मान के साथ इस किसी जंग को जीत के जाएंगे, हम ऐसे वापस जाने वाले नहीं।